Hello everyone, welcome to IS Toppers. This is the editorial analysis initiative and 18 December 2020 का editorial है putting food at the center of India's nutrition agenda. Context ये है कि National Family Health Survey Phase 5 का Part 1 अभी release हुआ है recently by the Ministry of Health and Family Welfare. इस सर्वे में 17 इंडियन स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज पे स्टेट ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन मैप हुआ है, जिससे हमें ये देखने को मिलता है कि इंडिया में कोई सिग्निफिकेंट अचीवमेंट नहीं मिला है हमको ऑन टैकलिंग अंडर न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन. तो जो डेटा है ऑन द स्टेट ऑफ चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, इट इज़ नॉट इंकरेजिंग. आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में. पहले ये जानते हैं व्हाट आर द की इंडिकेटर्स टू मेजर चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन. देयर आर 3 की इंडिकेटर्स. वन इज वेस्टिंग, सेकेंड इज स्टंटिंग एंड थर्ड इज अंडरवेट. सपोज दिस इज अ नॉर्मल चाइल्ड. जिस चाइल्ड में वेस्टिंग होगा उसका लो वेट होगा फॉर हिज हाइट. जिस चाइल्ड में स्टंटिंग होगा उसका लो हाइट होगा उसकी एज के अकॉर्डिंग. और जो चाइल्ड अंडरवेट होगा उसका लो वेट होगा उसकी एज के अकॉर्डिंग. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन विच आर प्रिवेलेंट इन चिल्ड्रन. व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन बाय द सर्वे. इस सर्वे में हमें ये पता चलता है कि जो शेयर है स्टंटेड वेस्टेड अंडरवेट चिल्ड्रन का, दैट हैज इंक्रीज्ड इन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स असेस्ड. जो 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें मेजॉरिटी में अंडर न्यूट्रिशन बढ़ रहा है. लगभग 84% जो चिल्ड्रन हैं एज 23 मंथ से लेके 6 इयर्स, वो एडिक्वेट डाइट नहीं ले रहे हैं एज पर द स्टैंडर्ड्स डिफाइंड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. एंड जो डिक्लाइन हुआ है उन चिल्ड्रंस के नंबर पे जो एडिक्वेट डाइट नहीं ले रहे थे, दैट इज ऑल्सो जस्ट 2 पॉइंट्स फ्रॉम द अर्लियर सर्वे. यानी सिग्निफिकेंट यहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है. और 8 आउट ऑफ 10 चिल्ड्रन में एक डायटरी शॉर्टफॉल देखने को मिलता है, जिसका मतलब कि वो न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले पा रहे हैं. तो जो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन है जो न्यूट्रिशियस डाइट नहीं दे रहे हैं, उनका नंबर डिक्लाइन हुआ है इन 17 आउट ऑफ 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है. उसमें सबसे प्रोमिनेंट डिक्लाइन हुआ है गोवा में, बट ये नंबर इंक्रीज हुआ है इन 5 स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जो अभी रीच कर गया है 86% इन जम्मू एंड कश्मीर. इसका ये मतलब है कि 86% चिल्ड्रन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं. मोर देन 75% ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एवरी स्टेट मिनिमम एडिक्वेट डाइट नहीं ले रहे हैं. और ये देखने को मिलता है कि वो प्रोटीन रिच फूड नहीं ले रहे हैं जिनका इंटेक. और जो नेक्स्ट पॉइंट है सर्वे में, दैट इज द प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया. एनीमिया इज लैक ऑफ आयरन इन द ब्लड. तो दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 8%. प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया इन चाइल्डहुड हैज इंक्रीज्ड इन 18 आउट ऑफ 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. और लगभग 2 out of 3 चिल्ड्रन में आयरन डेफिशिएंसी इंडिया में देखने को मिलती है. सो व्हाट वाज द अप्रोच ऑफ द सर्वे. इसमें एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट हुआ था. ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है जिसमें बॉडी की कंपोजिशन को असेस किया जाता है बाय मेजरमेंट ऑफ मसल, बोन, फैट एंड वेरियस अदर इंडिकेटर्स इन बॉडी. यानी बॉडी का कंपोजिशन क्या है, इसका असेसमेंट होता है. तो चिल्ड्रन को डिफाइन किया जाता है स्टंटेड, वेस्टेड, अंडरवेट, अगर उनका जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है वो WHO के जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है उससे मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाता है. तो मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन जो इंडिया में है, दे आर स्टंटेड, वेस्टेड एंड अंडरवेट इन इंडिया. अब जो सजेस्टिव अप्रोच है इस आर्टिकल में दी गई है वो ये है कि एंथ्रोपोमेट्रिक जो असेसमेंट है दैट इज नॉट सफिशियंट, बिकॉज उसमें एक रिस्क है. क्या रिस्क है कि देखो जो बॉडी का कंपोजिशन होता है दैट इज ऑल्सो डिफाइंड बाई मैनी फैक्टर्स, जैसे आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आपके जीन्स कैसे है. डिस्पाइट एक चाइल्ड अच्छा न्यूट्रिशन ले रहा होगा, बट फिर भी इन सम केसेस उसके बॉडी कंपोजिशन एक नॉर्मल हेल्दी चाइल्ड के बराबर नहीं होते. तो ये न्यूट्रिशन मैपिंग का एक सक्सेसफुल इंडिकेटर नहीं दिखाई दे रहा है. इससे कुछ बच्चे छूट सकते हैं और जो रियल बर्डन है अंडर न्यूट्रिशन का वो एस्टिमेट नहीं किया जा सकता. तो जो ऑथर है इस आर्टिकल के, वो एक डिफरेंट अप्रोच सजेस्ट करते हैं. वो ये बोलते हैं कि अंडर न्यूट्रिशन को हम ऐसे भी मेजर कर सकते हैं जब हम ये मैप करें कि हमारे इंडिया में चिल्ड्रन किस टाइप का डाइटरी इंटेक कर रहे हैं. यानी वो सफिशियंट अमाउंट में फूड ले रहे हैं, इस पे एक सर्वे हो कि उनके फूड का कंपोजिशन क्या है. तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, एक कंबाइंड अप्रोच कि जिसमें जो ये एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हैं इसको अगर हम जोड़ देंगे बाय डाइट रिलेटेड मीजर्स. यानी जो ये मेजरमेंट बॉडी के चल रहे हैं उसके अलावा कि आप किस तरह का फूड इंटेक कर रहे हैं, इन दोनों को कंबाइन करके हम एक बेटर अप्रोच की ओर मूव कर सकते हैं. फर्दर जो न्यूट्रिशन एजेंडा है गवर्नमेंट का, इसे राइट टू फूड के पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है. इंडिया में हमें राइट टू फूड मिलता है अंडर आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ, एंड फर्दर आर्टिकल 47 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP. उसमें इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द न्यूट्रिशन लेवल एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड अल्टीमेटली पब्लिक हेल्थ इन द स्टेट. ये हमें एसेस करना है कि इंडिया में
सबको राइट टू फूड मिले प्लस राइट टू न्यूट्रिशियस फूड मिले. ओके, तो इसके लिए वेरियस स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखी हैं. जैसे जो लोकल आंगनवाड़ीज होती हैं वो 6 मंथ से लेके 6 ईयर के चिल्ड्रन को न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करते हैं. और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में 1 फ्री मील मिलता है इन टर्म्स ऑफ मिड डे मील स्कीम, प्लस टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और अंत्योदय अन्न योजना एंड डिस्पाइट मेनी अदर स्कीम्स आर जो इस पे फोकस करती हैं राइट टू फूड. प्लस इंडिया को एक नेशनल रिप्रेजेंटेटिव सर्वे की जरूरत है जहाँ पे डाइटरी इनटेक और न्यूट्रिशन स्टेटस के बारे में मैप किया जाए ऑफ चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट्स टू फाइंड द रियल पिक्चर. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अलावा नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो एंड नेशनल सैंपल सर्वे का डेटा भी कंबाइन किया जा सकता है ताकि एक होलिस्टिक अप्रोच से हमें इंडिया के रियल न्यूट्रिशन का पता चले. सो व्हाट आर गवर्नमेंट इंटरवेंशंस और गवर्नमेंट स्कीम इन दिस डायरेक्शन. पोषण अभियान, ये एक होलिस्टिक न्यूट्रिशन अभियान था टू टैकल माल न्यूट्रिशन इन इंडिया. ये लॉन्च हुआ था 2018. ये मिशन 3 ईयर्स के लिए है. इसका टारगेट है अंटिल 2022 टू रिड्यूस स्टंटिंग, अंडर वेट एंड लो बर्थ वेट बाय द रेट ऑफ 2% पर ईयर, दैट इज बाय द रेट ऑफ 6% टिल 2022 एंड to reduce anemia by the rate of 3% per year, that is at the rate of 9% till 2020. Anemia Mukt Bharat, it was launched in 2018. इसमें government provide कर रही है iron और folic acid के supplements, plus government induce कर रही है some types of behavior change in people and treatment to the target groups. And the target groups are children, pregnant and lactating women. National Nutrition Mission है, इसकी एक holistic approach थी जिसमें various methods थे, जैसे behavioral change. Behavioral change में क्या होता है कि अगर हमें न्यूट्रिशन को बढ़ावा देना है तो वी शुड ऑल्सो की फोकस ऑन सैनिटेशन, एंटीनेटल केयर, दैट इज टू केयर बिफोर प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो, राइट एज ऑफ मैरिज, अवेयरनेस ऑन न्यूट्रिशन बाय द यूज ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी लाइक द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टूल्स टू ट्रैक द न्यूट्रिशन स्टेटस इन द कंट्री, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, किनकी, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं, जो मिड डे मील्स कुक करते हैं एंड वेरियस अदर फंक्शनरीज जो इन्वॉल्व हैं इन मिशन में, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग करना, इनोवेशन करना, यूज ऑफ ICT टूल्स, प्रॉपर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग करना और बिहेवियरल चेंज करना. इस सब तरीके से इंडिया कैन फुलफिल इट्स गोल टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन. सो इन द एंड वी कैन से दैट इंडिया को प्रायोरिटी बेसिस पे वर्क करना चाहिए टू रिड्यूस चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन इन इंडिया. और उसके लिए जरूरी है सभी सिटीजन्स को अफोर्डेबल एसेस मिलेगा टू क्वालिटी फूड, स्पेशली टू पुअर एंड डिसेबल्ड पीपल. जब हम न्यूट्रिशन लेवल रेज करेंगे तभी हम नेशनल गोल्स और ग्लोबल गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर पाएंगे. UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 and 3 डील्स विद जीरो हंगर एंड गुड हेल्थ एंड वेलबींग. गुड न्यूट्रिशन से ही हम अंडर न्यूट्रिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं. अंडर न्यूट्रिशन की वजह से जो हार्मफुल इफेक्ट्स हमें दिखते हैं लाइक ग्रोथ और डेवलपमेंट का रुक जाना जिससे चाइल्ड की हेल्थ पे एक निगेटिव प्रभाव पड़ता है, उनका सर्वाइवल रेट कम हो जाता है, ऑप्टिमल लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है और फाइनली प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है. तो अगर हम अंडर न्यूट्रिशन प्रिवेंट करेंगे तो हम ये सब प्रॉब्लम्स भी प्रिवेंट कर पाएंगे. सो फाइनली टुगेदर अगर हम इन सब स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करें तो वी कैन मूव टूवर्ड्स अ माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया एंड हम बना सकते हैं एक ऐसा इंडिया जो फिट है, हेल्दी है और प्रोडक्टिव है. आई होप आपको एडिटोरियल समझ आया होगा. डेट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.